स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। दोस्तों पॉजिटिव रहिए, हार्ड वर्क कीजिए और अपने लक्ष्य को सफल बनाइए। जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल अग्निवीर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं, जिन्हें मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी। अतः वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप के। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चमगादड़ क्या करते हैं, एक रेस को छोड़ते हैं और वो जिस भी ऑब्जेक्ट को उन्हें पता करना हो वहाँ पर वो टकरा के वापस उनके पास आती है और इस तरह से उसका वो पता लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी रेस या फिर कौन सी लाइट का उपयोग वो करते हैं। फ्रेंड्स, चमगादड़ जो है वो किसका पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जिसे हम जो मनुष्य है वो नहीं सुन पाते हैं। इसे कुछ जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियाँ, चमगादड़ ये आसानी से सुन पाते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड होता है फ्रेंड्स, उसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है यानी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है जिससे इनको बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ पर, सोनार में भी किया जाता है। तो सोनार का क्वेश्चन भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन से वेव्स या साउंड लाइट उसमें उपयोग की जाती है, तो पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड उपयोग में लिया जाता है। यदि पेंडुलम की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसके दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, पेंडुलम के दोलन का आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T=2π√L/g। तो इन्होंने क्या कहा है कि लंबाई को 4 गुना बढ़ा दी जाए। तो हम मान लेते हैं कि पहला जो था इनिशियल वो टी था, दूसरा हम टी डैश मान लेते हैं, फॉर्मूला है 2π√L/g। अब इन्होंने क्या कहा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, लंबाई को कितना 4 गुना बढ़ा दिया जाए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी सेम रहेगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, T/T' की वैल्यू कितनी मिलेगी, √L, 2√L, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो टी डैश नया मिलेगा वो पुराने वाले का कितना, दुगना हो जाएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आवर्तकाल का क्या होगा, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, इसके प्रारंभिक मान से 2 गुणक से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम के नियम के अनुसार फ्रेंड्स क्या होता है, V=IR। तो ये किस में रिलेशन बता रहा है, वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस में। तो क्या ये सिर्फ प्रतिरोध का ही बताता है, नहीं, केवल वोल्टता का नहीं, केवल धारा का। तो ये धारा और वोल्टता दोनों में रिलेशन बताता है। तो इस तरह से ओम का नियम जो है वो क्या परिभाषित करता है, धारा और वोल्टता दोनों। क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्रोनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, क्रोनोमीटर है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, समय मापने के लिए, जहाजों में समय का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। निश्चित दूरी पर रखे दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, दो पिंडों के बीच में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, G(m1m2)/r2। जहाँ पर ये दोनों क्या है, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान है और ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ये किस किस पर निर्भर करता है फ्रेंड्स, पिंड के गुरुत्वीय केंद्र पर, पिंडों के द्रव्यमान पर, प्रत्यास्था पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, पिंडों के द्रव्यमान, ये m1 और m2, इन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ताप बढ़ाने से पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी होती है तो पदार्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, हम बात करें तो चालक और अर्धचालक। तो फ्रेंड्स, चालक की प्रतिरोधकता हमेशा ताप बढ़ने पर बढ़ती है और जो अर्धचालक होते हैं इनकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, कम होती है। तो प्रतिरोधकता की कमी है तो पदार्थ कौन सा होगा, अर्धचालक। कमानी तांबे की ना बनाकर स्टील की बनाई जाती है, क्यों, क्योंकि जो कमानी होती है फ्रेंड्स, हमें पता है कमानी यानी कि एक स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में जो तन्यता होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो गुण किसके कारण होता है, प्रत्यास्था के कारण होता है। उसका मतलब ये है कि उसकी प्रत्यास्था अधिक होनी चाहिए, तो तांबे की कम होती है और जो स्टील है उसकी ज़्यादा होती है, इसलिए जो कमानी है वो किसकी बनाई जाती है, स्टील की बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्यों बनाई जाती है, ऑप्शन फर्स्ट है, स्टील तांबे से अधिक प्रत्यास्थ होता है। चुंबकीय सुई सुरक्षित रह सकती है, लोहे के बॉक्स में, लकड़ी के बॉक्स में, धातु के बक्से में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये क्या होती है, चुंबकीय सुई है, जो किस में रखी हुई है, एक लोहे के बक्से में रखी हुई है। इसको लोहे के बक्से में क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी का फ्लक्स होता है, लोहा जो होता है फ्लक्स का अच्छे से चालन कर पाता है और इसके अंदर तक आसानी से इसको पहुंचने देता है, जिससे कि जो निडल होती है उसमें क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है और हमें डायरेक्शन का पता
चलता है। अगर इसको लकड़ी के बॉक्स में आप रख देंगे तो यहाँ पर निडल के पास इसका फ्लक्चुएशन आ नहीं पाएगा, तो निडल डायरेक्शन नहीं बता नहीं पाएगी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और धातु के बक्से में क्यों नहीं रखते हैं? अब यहाँ पर धातु कोई मेंशन नहीं करी है फ्रेंड्स, कोई सी भी धातु हो सकती है, कुछ कम फ्लक्स को आने दे, कुछ ज़्यादा फ्लक्स को आने दे, इसलिए यहाँ पर धातु भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको लोहे के बक्से में रखा जाता है। एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, वोल्टेज के स्तर को स्थिर रखने के लिए, ऐसा भी नहीं है, वोल्टेज सभी में फिक्स होता है, सेम ही आता है, सर्किट में प्रवाहित होने वाली अतिरिक्त विद्युत को रोकने के लिए, या फिर विद्युत तार को अधिक गर्म से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स सर्किट में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है अधिक मात्रा में प्रवाहित ना हो, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डिवाइड बाय एल किसकी विमा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर जो है वो क्या है, प्रतिरोध होता है, और जो एल है वो क्या है, इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व होता है। ये क्या है, प्रेरकत्व। तो इन दोनों का जो रेशो है उसकी विमा पूछी है। तो हमें पता है जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध की विमा क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर, ये होता है प्रतिरोध। और जो प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व क्या होता है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो इन दोनों का रेशो पूछा है, तो हम इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। ये वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा और ये एम्पियर से एम्पियर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वन डिवाइड बाई सेकेंड, यानी कि वन डिवाइड बाई टी, और टी का इनवर्स, टाइम की यूनिट मिली हमें, टाइम का इनवर्स मिला, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या हुई, टी इनवर्स। यदि सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश एन हो, तो एकांक सदिश का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स एकांक सदिश का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, सदिश ए डिवाइड बाय सदिश ए का मोड। समान द्रव्यमान के दो कण R1 व R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों में समान चाल से गति कर रहे हैं, तो उनके अभिकेंद्रीय बलों का अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको पता है कि वृत्ताकार गति में कोई भी कण गति करता है तो अंदर की ओर एक फोर्स लगता है, बल लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, जिसको हम F से डिनोट कर लेते हैं, और ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है इसलिए इसे C से डिनोट कर देते हैं। और इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स क्या होता है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, जहाँ पर वी क्या है कि किस गति से वो कण, किस वेग से वो कण गति कर रहे हैं, और आर क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि उनके जो द्रव्यमान है वो तो क्या है, समान है, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या R1 और R2 है, तो हम इन दोनों बलों का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पर F1 डिवाइड बाय F2 वो क्या होगा, पहले का होगा वी, वेग भी इन्होंने कहा है कि समान है, समान चाल है, तो वेग भी समान होगा। तो पहले का त्रिज्या कितनी है, R1, और दूसरे की त्रिज्या कितनी है, वेग समान होगा, R2, तो वेग से वेग कैंसिल हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, तो जो रेशो मिलेगा फ्रेंड्स वो कितना मिलेगा, R2 डिवाइड बाय R1। एक ग्रह की कक्षा की त्रिज्या पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या की दुगनी है, तो ग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? तो फ्रेंड्स केपलर का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टाइम आवर्तकाल है, आवर्तकाल का स्क्वायर किसके समानुपाती होता है, त्रिज्या के क्यूब के समानुपाती होता है। तो अगर हम यहाँ पर मान लें कि ग्रह और पृथ्वी के जो आवर्तकाल है वो कितने हैं, T1 और T2 है, ठीक है, तो हमने इनका अनुपात ले लिया, ये T1 का स्क्वायर और ये T2 का स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, R1 का क्यूब, और इसके लिए कितना हो जाएगा, R2 का क्यूब, ये हमने अनुपात ले लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जो ग्रह की कक्षा की त्रिज्या, तो ग्रह की कक्षा की त्रिज्या हमने कितनी मान ली यहाँ पर, ये R मान ली, क्यूब तो ऑलरेडी है ही सही यहाँ पर, वो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2R यहाँ पर हो जाएगा, 2R का क्यूब, ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाय T2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर R क्यूब, ये R क्यूब है, और ये कितना हो जाएगा, 8R क्यूब, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने T के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा, उसका मतलब ये है कि जो ये वाला टाइम है ये कितना होगा, T होगा, और दूसरा हम मान लेते हैं T2, तो ये इनका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला, 1/8। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, T/T2 इज इक्वल टू 1/2, ये स्क्वायर इधर आके अंडर रूट में चला गया, और अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है, 2/2, तो T2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2/2 × T, और √2 की वैल्यू लगभग अगर हम माने तो वो कितनी होगी, 1.4, दैट मीन्स 2.8 T
जो आएगा उसके आवर्तकाल का इतना गुना आएगा। पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या आर है, इसकी गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? तो फ्रेंड्स सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वी जीरो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर, ये होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की, कि किस वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में गति कर रहा है उसकी वेलोसिटी ये होती है। और हमें पता है फ्रेंड्स, सभी को पता होगा काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv², तो वी की वैल्यू हम यहाँ ये पुट अप कर देते हैं 1/2 m, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट जी एम डिवाइड बाय आर इसका होल स्क्वायर, और इसके होल स्क्वायर को यहाँ पर ओपन कर लेते तो कितना मिलेगा? 1/2, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। अब फ्रेंड्स ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और उनके जो द्रव्यमान है वो भी क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या अगर यहाँ पर कैपिटल आर, जैसे कि ये हमने आर मानी है ये त्रिज्या, तो इसकी गति जुड़ जाए, तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती आ रही है? कॉन्स्टेंट क्या नहीं है यहाँ पर? आर के। तो क्या आंसर होगा इसका? 1/r। एक 50 किलोग्राम की गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला आप सभी को पता भी बताया मैंने, 1/2 mv², यहाँ पर 1/2 m क्या है? 50 किलोग्राम है, और v की वैल्यू है 5 m/s, और ये स्क्वायर लगाए यहाँ पर, स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं 25, और ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 25, 25 × 25 = 625। तो कितनी मिली काइनेटिक एनर्जी? 625 जूल। ठोस वस्तु को ऊष्मा देने पर उनके अणुओं का क्या होता है? तो मैंने हमेशा बताया फ्रेंड्स कि कोई भी ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सभी के अणुओं को ऊष्मा देने पर उनके अणु जो होते हैं ज़्यादा गतिशील अवस्था में आ जाते हैं। उस गतिशील अवस्था में क्यों आते हैं? क्योंकि उनमें जो कंपन है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? राइट आंसर, एक कंपन आयाम बढ़ जाता है। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है, इन समस्थानिकों के बीच में क्या अनुपात होगा? तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं 1735 और 1737, और इन दोनों का अनुपात कितना होता है? 3:1। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीकरण के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, और टेक्निकल के में इसके एक ना एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो ऑक्सीकरण के बारे में आपको मैं ये पॉइंट बता दूं फ्रेंड्स, कि पहला पॉइंट तो ये है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होते हैं? धनात्मक समूह की वृद्धि होती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ती है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रख लेना है ऑक्सीकरण के बारे में। तो फ्रेंड्स जिस तरह से इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाता है, तो त्याग होने से क्या हो जाता है? उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, तो उसकी जो वैलेंसी होगी, उसकी संयोजकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने से उसके ऊपर क्या आ जाएगा? धनात्मक समूह जो है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, और इसमें ऑक्सीजन का संयोजन भी होता है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि इसकी जो संयोजकता है यानी कि वैलेंसी, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है, तो शुद्ध सोडियम धातु जो है फ्रेंड्स वो किस मेथड के द्वारा प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटन से, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस से। और कौन कौन सी इसकी जो मेन मेथड है सोडियम को शुद्ध करने की, वो होती है फ्रेंड्स, एक तो कास्टर विधि होती है और डाउन विधि। और कास्टर विधि डाउन विधि दोनों में क्या होता है? विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाते हैं? तो जीरो ग्रुप के एलिमेंट सभी को पता है क्या होते हैं? निष्क्रिय तत्व होते हैं, निष्क्रिय गैसें होती है, इनर्ट गैसेस होती हैं। तो ये जो लास्ट वाला है ये कौन सा ग्रुप है फ्रेंड्स? ये जीरो शून्य समूह होता है। एल्डिहाइड और कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या होते हैं? इनसे क्या बनता है? तो फ्रेंड्स इनसे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। DDT को बहुत से विकसित देशों में किस कारण से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स इसका कारण क्या है? कि ये बहुत ज़्यादा विषैली हो गई है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्तनपाई जीवों के लिए अधिक विषैले होने के कारण इसे बैन कर दिया गया है। गेलेना का अयस्क है, तो फ्रेंड्स गेलेना का अयस्क क्या है? सीसा, यानी कि लेट। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो फ्रेंड्स धातु दो रूप में मिलती है, एक तो मुक्त अवस्था में मिलती है और एक संयोजी अवस्था में मिलती है। तो मुक्त अवस्था का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? कि वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्रियाशील अवस्था में नहीं होती। तो कौन कौन सी धातु होती है? एक तो गोल्ड होती है, सिल्वर और प्लेटिनियम, ये तीन धातु होती है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और संयोजी अवस्था वाली धातु बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं,
तो कौन कौन सी आती है उसमें, सोडियम। तो अगर हम कैल्शियम और मैग्नीज की बात करें तो इनके कंपैरिजन में जो सोना है वो कम क्रियाशील अवस्था में पाया जाता है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा मुक्त अवस्था वाली धातु वो कौन सी है, सोना। हाइड्रोजन साइनाइड में एच प्लस और सी एन माइनस, इन दोनों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्लस माइनस दिख रहा है आपको, या आयन्स का शेयरिंग हो रही है, आयन्स के कारण बंध बन रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा, आयनिक बंध। फ्रेंड्स आज हमने आपसे टेक्निकल के 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं, और डेली हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो एक लाइक तो बनता ही है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर आप नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।